नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही कमाल की बढ़िया टेक न्यूज। तो मेरा नाम है भानु प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। गूगल की तरफ से गूगल का गो वाला जो प्रोग्राम है, जिसमें कि जो है लो एंड और 1GB वाले जो फोन्स होते हैं, जो लो एंड स्पेसिफिकेशंस वाले फोन होते हैं, उनके लिए जो है एंड्रॉयड ने गूगल ने अपना एंड्रॉयड ओरियो गो एडिशन लॉन्च किया था। तो उसके लिए जो है आपको गूगल असिस्टेंट गो देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है लो मीडियम स्पेक्स, मीडियम नहीं, यहाँ पर लो स्पेक्स वाले फोन जो कि हल्के फुल्के होते हैं, तो मतलब हल्की फुल्की एप्लीकेशंस को भी चला पाएंगे। तो यहाँ पर जो हल्की फुल्की एप्लीकेशंस डेवलप की हैं गूगल ने, जिनका आगे गो लगाने के बाद वो हल्की फुल्की एप्लीकेशंस हो जाती हैं जो कि अनस्टेबल या हल्के इंटरनेट पे भी चलती हैं। तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट गो जो है वो आपको लो एंड स्पेक्स वाले फोन्स में देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है इनफोकस की तरफ से। यहाँ जो है इनफोकस का A2 जो है वो 5 इंच की HD डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो गया है। जो प्राइस है वो है 5,199 रुपये और जो लॉन्च हुआ है वो हुआ है यहाँ इंडिया में। तो यहाँ पर जो है आपको 5 इंच की 720p वाली डिस्प्ले मिलती है, जो दो फ्रंट और बैक दोनों साइड आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और रियर में आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोसेसर पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो है स्प्रेडट्रम SC9832 जो कि क्लॉक्ड है 1.3 GHz पे। और GPU की बात करते हैं, आपको 400 मिलता है माली का और 16GB की स्टोरेज है, 2GB की रैम। तो यहाँ पर डेफिनेटली मतलब बजट सेगमेंट में जो है मतलब इन फोकस जो है वो भी यहाँ पर घुसना चाह रहा है इंडिया में। तो डेफिनेटली ये मतलब अच्छा होने वाला है। रेडमी 4A 5A 4A जैसा हो सकता है, बढ़िया ये स्मार्टफोन, तो डेफिनेटली यार अच्छी बात है इसके। लेकिन यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप बजट फोन देखना चाहते हैं लेकिन शाम भी पसंद नहीं है आपको, तो यहाँ टेनोर वगैरह भी हैं लेकिन आप इनफोकस के साथ भी यहाँ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो अगली नहीं जाती वो आती है LG की तरफ से। तो LG का V30 जो कि पिछले साल काफ़ी लेट आया था इंडिया में, तो उसका जो अपग्रेडेड एडिशन है वो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2018 में शोकेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो अपग्रेडेड एडिशन है उसमें आपको जो LG V30 है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें इम्प्रूव मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है LG ये मतलब गूगल के साथ उसने हाथ मिला है, तो यहाँ पर मतलब डेफिनेटली गूगल के साथ हाथ मिला है, तो गूगल असिस्टेंट जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर मिलने वाला है और उसकी मेन हाईलाइट रहने वाली है। तो फ्रेंड, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है सैमसंग की तरफ से। यहाँ जो सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 Plus हैं जो कि 25 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं, मतलब दिखाए जाएंगे मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में। उनके कुछ सर्किट बोर्ड्स, बैटरीज देखने को मिली हैं और कैमरा मॉड्यूल भी देखने को मिला है, जो लीक हुआ है ट्विटर पे। कुछ स्लैश लीक्स ने जो है इमेजेस लीक की हैं और कुछ की हैं यहाँ पर लीक रोनाल्ड क्वेंडेट ने। तो यहाँ पर डेफिनेटली यार ये लीक्स काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पर जो मतलब सैमसंग ने भी क्लेम कर दिया कि हमारे जो नेक्स्ट फ्लैगशिप है वो S9 और S9 Plus होने वाले हैं, क्योंकि यार हम तब से मतलब सैमसंग की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आएगी, तो अगला जो है उनका नाम S9 S9 Plus रखने वाला, सिर्फ हमारे मन की बात थी वो। तो और डेफिनेटली यार वो बात सही भी थी, क्योंकि S8 S8 Plus के बाद डेफिनेटली S9 S9 Plus ही आएंगे। तो आज अगली न्यूज़ आती है वो आती है Honor 7X की तरफ से। जहाँ Honor 7X के ब्लू कलर में तो आपने बहुत देखा होगा, डेफिनेटली ये Honor 7X बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है, बजट के हिसाब से आपको बहुत अच्छी स्पेक्स देता था। यहाँ पर जो उसका लिमिटेड रेड एडिशन जो है वो रेड कलर का एडिशन आपको गूगल Amazon पर लिस्टेड मिलता है। तो यहाँ पर Amazon पर जो है लिस्ट तो कर जाएगा, लेकिन देखते हैं यार सेल उसकी कब तक होगी। उन्होंने जो अगली नहीं आती वो आती है दोबारा से गूगल की तरफ से। गूगल असिस्टेंट की जो बात चल रही है वहाँ पर आपको दो नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला फीचर है वो है आपको अपने डिजायरेबल म्यूजिक के हिसाब से अलार्म लगा सकते हैं, यानी म्यूजिक बेस्ड अलार्म आपको देखने को मिलेंगे गूगल असिस्टेंट की हेल्प से। जो है आप अपने डिजायरेबल म्यूजिक को सेट कर सकते हैं अपने अलार्म में। और साथ ही साथ जो दूसरा बहुत अच्छा फीचर है वो आता है टीवी शेड्यूल्स को लेकर। तो यहाँ पर जो गूगल असिस्टेंट है उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है टीवी शेड्यूल्स के बारे में। तो यहाँ पर जो टीवी के सारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आप उसे सेट रिमाइंडर्स वगैरह सेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको याद दिला देगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा एक फीचर है, देखते हैं कब तक आता है फीचर, यहाँ पर गूगल ने अनाउंस तो कर दिया है। फिर यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है 2019 एडिशन जो है वो लॉन्च हुआ है और ये आपको देखने को मिलने वाला है विंडोज़ में 2018 के आधी साल, मतलब लगभग आपको जून जुलाई में देखने को मिल सकता है ये आपको ऑफिस 2019। देखते हैं कितने अच्छे फीचर्स यहाँ पर आपको विंडोज़ 10 में मिलने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये काम करेगा। तो फ्रेंड, यहाँ जो अगली न्यूज़ आती है वो दोबारा से आती है गूगल की तरफ से। यहाँ गूगल का क्रोम OS है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा OS है, जो कि आपको बड़े बड़े टैबलेट्स या लैपटॉप्स में देखने क्रोम बुक्स में देखने को मिलता है।
जो कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस वगैरह चलाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको क्रोम ओएस का 64th वर्जन यानी क्रोम ओएस 64 जो है अपग्रेडेड वर्जन आपको यहाँ पर अनाउंस कर दिया है गूगल ने। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है इसमें कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। जो नए फीचर्स हैं वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी एंड्रॉयड ऐप ऑप्टिमाइजेशन मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्क्रीनशॉट क्लिक करने का एक फीचर। जैसे कि आप एंड्रॉयड में अपने पावर और वॉल्यूम बटन को दबा के करते हैं स्क्रीनशॉट को क्लिक, उसी तरीके से आप क्रोम ओएस वाले बेस्ड डिवाइसेस पे भी ये कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यार जो अगली न्यूज़ आती है वो यार बहुत ज़्यादा वाहियात है, सुनाने का मन भी नहीं करता, चाहती भी नहीं है कुछ ऐसी न्यूज़ आपको यार सुनने को मिले कहीं से, लेकिन फिर भी यार आपको बताना मेरा काम है। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि काउंटर स्ट्राइक जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है, तो वहाँ उसके जो को क्रिएटर हैं उन्हें अरेस्ट किया गया है और उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, एलिगेट किया गया है कि उन पर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का आरोप है। खैर, इसके बारे में कोई ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन तो नहीं है और यार मतलब बहुत बकवास न्यूज़ है इसके बारे में। खैर छोड़ो यार इस न्यूज़ को, तो आगे बढ़ते हैं। जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है व्हाट्सएप की तरफ से। तो व्हाट्सएप में जो है यहाँ पर फिलहाल की कुछ स्टैटिस्टिक्स हमें पता चली, तो स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हाट्सएप के 1.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर डेली 60 बिलियन मैसेजेस को यहाँ से वहाँ सेंड किया जाता है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग जो कि फिलहाल व्हाट्सएप को भी हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने इस न्यूज़ को, इस बात को थर्सडे को ऑफिशियल किया है। और मतलब बहुत बड़े नंबर में यहाँ पर व्हाट्सएप चल रहा है, तो यहाँ पर डेटा भी उनका बहुत अच्छा कलेक्ट हो रहा होगा व्हाट्सएप से, तो ताकि फेसबुक पर वो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कर सकें। तो यहाँ पर जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है युवावे की तरफ से। युवावे के ऑनर 8 Pro और ऑनर 9 है, वहाँ उन फोन्स के लिए जो है एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मतलब इंडिया में ऑनर 9 तो लॉन्च नहीं हुआ था, ऑनर 8 Pro है उसके मतलब ओरियो अपडेट आना शुरू हो गए हैं। अगर आपके पास नहीं आया तो जल्दी आ जाएगा, और आ गया है तो यार अपडेट कर लो एंड्रॉयड ओरियो पर, बताओ देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अच्छे कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे कि यानी यहाँ पर जो है आपको ये एंड्रॉयड ओरियो का जो अपडेट मिलेगा वो मिलेगा EMUI 8.0 पर बेस्ड। तो देखते हैं यहाँ पर अपडेट कैसा होने वाला है और क्या यहाँ पर नहीं दिखाने वाला है ऑनर। तो फिर जो अगली न्यूज़ आती है वो आती है PS4 के कंट्रोलर को लेकर। यहाँ पर जो है स्नेक बाइट नाम का एक कंट्रोलर है जो कि सबसे सस्ता कंट्रोलर अब तक का है और वो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके खरीद सकते हैं। ये जो प्राइस है उसकी वो है 2,990 रुपये, यानी अप्रोक्स 10 रुपये कम, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये में आप जाके अगर इसे खरीद सकते हैं, आप PS4 यूज़र हैं और बजट कम है आपके पास, PS4 तक ऐसे भी करके खरीदते हैं लेकिन कंट्रोलर अब नया चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं डेफिनेटली। जो अगली चीज़ आती है बहुत ही विंडोज 10 की तरफ से। विंडोज 10 की जो पॉपुलैरिटी है वो विंडोज 7 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँ तो बात को जैसे ही विंडोज 10 के जो मार्केट शेयर्स हैं, डेस्कटॉप मार्केट शेयर्स, वो बढ़ चुके हैं 42.78% पर, और जो विंडोज 7 है उसके मार्केट शेयर अभी हैं 41.86%, यानी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी विंडोज 10 जो है वो फिलहाल आगे है। और एक सरप्राइजिंग फैक्ट जो विंडोज 7 से रिलेटेड है वो फिलहाल ये है कि इंडिया में फिलहाल 59.38% मार्केट शेयर है विंडोज 7 का। तो यार विंडोज 7 को यूजर्स विंडोज 10 पे अपग्रेड कर रहे हैं, इतनी बुरी भी नहीं है, विंडोज 7 के एविजुअल हो चुके हो क्या। तो फ्रेंड यार जो अगली न्यूज आती है वो आती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। यहाँ फ्लिपकार्ट का बिलियन कैप्चर फोन तो आपने देखा था, बिलियन कैप्चर प्लस, लेकिन यहाँ पर है आपके पास फ्लिपकार्ट के 2 बिलियन के पावर बैंक्स। तो यहाँ पर जो बिलियन पावर बैंक्स है वो 2 पावर बैंक्स जो है यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर पावर बैंक्स में से पहला जो है उसकी कैपेसिटी 10,000 mAh की, जिसकी प्राइसिंग है 799 रुपीज़, और वहीं 15,000 mAh की कैपेसिटी वाला जो पावर बैंक है वो आपको देखने को मिलता है 999 रुपये का। और दोनों ही जो पावर बैंक्स हैं उनमें USB पोर्ट्स हैं और जो पावर रेटिंग है वो है 5 volts 2.1 ampere के। तो यहाँ पर जो चार्जिंग की स्पीड भी मतलब आपको अच्छी मिलने वाली है, तो फ्लिपकार्ट के बिलियन पावर बैंक को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप सोच रहे हैं एक पावर बैंक लेने का। सस्ता से सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं इसमें से कौन सा यूज़ करने वाले हैं आप, नीचे बताइएगा जरूर कमेंट्स में। फ्रेंड्स, जो भी कुछ बढ़िया बढ़िया टेक न्यूज़ आए आपको इन टेक न्यूज़ में मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ यार लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा दबाने से मेरा चैनल सब्सक्राइब होगा, और बराबर में मिलेगा बेल आइकन से दबाने से होगा ये है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और डेफिनेटली मिस भी मत किया करिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली टेक न्यूज़ इस तरीके की और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोज लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।